माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र घर पर रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और जिम्मेदार बनिए और जिम्मेदार बनाइए से शुरू कर रहा हूं। संपूर्ण राज्य में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, ऐसे तीन जोन में सरकार श्री की गाइडलाइन के अनुसार संक्रमण को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। खास करके अहमदाबाद शहर के कंटेनमेंट एरिया की सुरक्षा व्यवस्था और चुस्त करने का निर्णय लिया गया है। अब तक कंटेनमेंट एरिया की सुरक्षा में जो फोर्स है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी होगी। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को और 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स दी गई है, जिसमें 6 कंपनी BSF और 1 कंपनी CISF का समावेश होता है। इनमें से 4 कंपनी BSF और 1 कंपनी RAF जो DG रिजर्व था उसको भी अहमदाबाद शहर में कंटेनमेंट एरिया की सुरक्षा के लिए दे दी गई है। अहमदाबाद शहर को आगे दी गई 3 पैरामिलिट्री कंपनी और हाल में दी गई 5 कंपनी को मिला के CAPF की कुल 8 कंपनी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी। DG रिजर्व की उसमें 1 RAF की कंपनी भी जोड़ी जाती है और अब कुल अहमदाबाद में SRPF के साथ 38 कंपनियां मुहैया कराई गई हैं। राज्य के अन्य शहर सूरत और बड़ौदा में भी कंटेनमेंट एरिया की सुरक्षा में CAPF का उपयोग किया जाएगा। बड़ौदा शहर में हाल 2 कंपनी पैरामिलिट्री तैनात है। सूरत शहर में 3 कंपनी पैरामिलिट्री दी गई थी और 3 और पैरामिलिट्री कंपनी दी जाएगी, जिससे सूरत शहर के कंटेनमेंट एरिया में कुल 6 कंपनी के साथ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और राज्य पुलिस के अधिकारी और जवान ऊंचे मनोबल के साथ संक्रमण के खिलाफ इस लड़ाई में डटकर फर्ज निभा रहे हैं और आगे भी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए ऐसे ही सेवा में जुटे रहेंगे, ऐसा मुझे संपूर्ण विश्वास है। फर्ज पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को मास्क दिया गया है और सभी को सूचित किया गया है कि ड्रिल की तरह अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से हर 2-3 घंटे साफ करते रहें। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। श्रमिकों को अपने वतन भेजने की प्रक्रिया आयोजनबद्ध और नियमित रूप से कार्यरत है। खास करके 3 प्रकार के जोन में प्रतिबंधित प्रवृत्तियों का भी ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात है कि इन 3 जोन में तमाम प्रकार के धार्मिक स्थानों और धार्मिक सम्मेलन हेतु इकट्ठे होने पर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंध है, जिसमें सभी लोगों और धर्मगुरुओं को फिर से अपील है कि धर्म स्थानों को बंद रखें और कोई धार्मिक हेतु लोग इकट्ठा ना हो, ये खास ध्यान रखें। पुलिस के द्वारा धार्मिक स्थानों की नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है। ज़्यादा लोग इकट्ठे होने पर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। आज अहमदाबाद शहर में गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए लोगों पे पुलिस ने गुना दर्ज किया है। सभी प्रकार के जोन में दूसरी प्रतिबंधित प्रवृत्ति शैक्षणिक संस्थान और मनोरंजन के स्थान हैं। स्कूल, कॉलेज, थिएटर, मॉल्स, मैरिज हॉल, पार्टी प्लॉट जैसे सार्वजनिक स्थान प्रतिबंधित रहेंगे। इनके संचालकों को आपके माध्यम से अपील है कि इन स्थानों को खोलें नहीं, ऐसे स्थानों को खोलने पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिकों से अपील है कि संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए सभी प्रकार के सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक सम्मेलन का
आयोजन न करें। इस संक्रमण से बचने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के सहकार से ही इस लड़ाई में संपूर्ण सफलता मिल सकेगी। लोगों को इस समय मेडिकल सेवाएं जल्द मिलती रहें, इसलिए मेडिकल सेवाओं को पहले से ही लॉकडाउन से मुक्ति दी गई है। इस संदर्भ में राज्य के सभी जगह डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक खोलने की छूट प्राप्त हुई है, इसलिए डॉक्टर्स को ऐसी सेवा के दौरान आगे जाने से रोका भी नहीं जा रहा है। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स अगर अपने क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं तो पुलिस की तरफ से उनको पूरा सहयोग दिया जाएगा। कल डिटेन किए गए वाहनों में से राज्य में कुल 8,035 वाहन मुक्त किए गए हैं और अब तक कुल 1,87,565 वाहन मुक्त हुए हैं। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। राज्य में कल ऐसे 20 गुना दाखिल हुए हैं और 13 लोगों को पकड़ा गया है। अब तक ऐसे 567 गुना में 828 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जब तक लॉकडाउन अमल में है तब तक पुलिस के द्वारा निरंतर ड्रोन, सीसीटीवी और एएनपीआर के माध्यम से नज़र रखी जा रही है। जहां लॉकडाउन के उल्लंघन का घटना ध्यान पे आती है वहीं कानूनी कार्रवाई भी होती है। राज्य में कल ड्रोन की मदद से कुल 155 गुना दर्ज हुए हैं। अब तक कुल ऐसे 11,355 गुना दर्ज किए गए हैं। अब तक ऐसे गुना में कुल 21,391 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कल कुल 60 गुना दर्ज करके 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब तक ऐसे कुल 2,629 गुना में संपूर्ण राज्य में दर्ज हुए हैं। अब तक ऐसे गुना में कुल 3,775 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के आधार पर गलत खबर या अफवाह के कुल 11 गुना दर्ज किए गए हैं। अब तक ऐसे 668 गुना राज्य में दर्ज हुए हैं और उनमें 1,388 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोशल मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाने पर पुलिस के द्वारा 17 अकाउंट बंद किए गए हैं। अभी तक कुल 628 अकाउंट पुलिस के द्वारा बंद किए जा चुके हैं। कल एएनपीआर के एनालिसिस के द्वारा 42 गुना और आज तक कुल 1,113 गुना दर्ज हुए हैं। वीडियोग्राफर द्वारा किए गए शूटिंग के आधार पर कुल 132 गुना और आज तक कुल ऐसे 2,540 गुना दर्ज हुए हैं। प्रहरी जैसे वाहनों पर जिन पे कैमरे लगे हैं उनकी मदद से कुल 56 गुना और अब तक ऐसे कुल 883 गुना दर्ज किए गए हैं।